कोरोना संक्रमण के वजह से पूरे देश में, विश्व स्तर पर, हमारे प्रदेश में भी जिस तरह की हॉस्पिटल से संबंधित, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे आईसीयू बेड की, ऑक्सीजन की, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टरों की ऐसी व्यवस्था है कि निश्चित रूप से कमी है, उस कमी की पूर्ति के लिए धीरे धीरे भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सभी हॉस्पिटलों की जो आवश्यकता है उस अनुसार सरकार पूरी तरह ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरों की भी पूर्ति हम धीरे धीरे कर रहे हैं। सर, अभी जो आपने हॉस्पिटल में निरीक्षण किया, किस बात को लेकर किया गया और किस प्रकार के आईसीयू बेड बनाए गए हैं बच्चों से लेकर कोरोना काल? चूँकि हॉस्पिटल आना मुख्य एक ही कारण था कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के समय आप हम सभी लोग जो परेशान हुए, जो कमियां थीं उनको दुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन ने, स्थानीय प्रशासन ने यहाँ आईसीयू बेड में भी इजाफा किया है और जिस तरह से ऑक्सीजन की हमें उस समय जो कमी महसूस हुई उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होगी। और जो आज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, कुछ हमारे आईसीयू बेड तैयार हो चुके हैं, कुछ एक आध हफ्ते में, 10 दिन में वो भी पूरी तरह से चल। सर, कोरोना काल में एक आईसीयू गाड़ी देखी गई थी, वो आज तक फिर दिखाई नहीं दे रही, क्या एम्बुलेंस देखिए तो वैसे गई तो ईश्वर ने करे कि थर्ड वेव का सामना हमें करना पड़े। जो भी संसाधन, जो भी आवश्यकता उपचार से संबंधित लोगों के लिए महसूस होगी, वो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए स्थानीय प्रशासन स्तर पर, प्रदेश सरकार के स्तर पर हर संभव ये प्रयास किया जाएगा कि लोगों को समय पर ठीक प्रकार से जो इलाज की आवश्यकता है वो इलाज। सर, मेरा कहना ये है, एम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस के ऊपर में आएगी क्या सर? फिर एम्बुलेंस आएगी सर? सर सर सर, वैक्सीनेशन वगैरह मध्य प्रदेश सरकार लगातार लगी हुई है, जिला प्रशासन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सर, जो वर्कर है, फील्ड वर्कर हैं, वो लोग गांव जा रहे हैं, कोई बैलगाड़ी से कोई नदी पार कर रहा है, किस तरीके से आप हौसला अफजाई करेंगे सर? मेरा आपके माध्यम से जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि जो संक्रमण की चेन को हम तोड़ने में हमें जो सफलता मिली थी वो जनता के सहयोग से और आप सबके सहयोग की वजह से। सेकेंड डोज की जो बात हमारे सामने है, सेकेंड डोज भी मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके सहयोग से सेकेंड डोज की भी हम पूर्ति जल्दी इसी हफ्ते 10 दिन में कर लेंगे। माननीय मंत्री जी, अभी हमारे साथी ने एक सवाल पूछा, जिला प्रशासन, यहाँ की जनता, धन्यवाद की बात।